आज्ञा के पूछो, जो भी पूछना हो पूछिए। बताइए, ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इंपल्स द एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल क्यों जनरेट होता है? क्योंकि हमें सबको पता है। अरे पूजा, पूजा पवार आप फिर से बेटा, हाँ नहीं सही है, डी सही है। अर्पना, अर्पना ए कैसे होगा बेटा जी? नीलम ए कैसे होगा? पूर्वा सही है, एंजल भी सही है। सोडियम ऑप्ट्रोल क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड बाहर से अंदर आ रहा है, क्या सोडियम आयन? तो बाहर वाले रीजन को आप एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड कह दीजिए, अंदर वाले को आप इंटर सेलुलर फ्लूड कह दीजिए। फिर आपकी डायरेक्शन क्या है? बाहर से अंदर की तरफ, है ना? पूजा, प्रज्ञा, निशा, शुभांगी, वेरी गुड। तो डी वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। इमीडिएटली आफ्टर एन एक्शन पोटेंशियल हैज पीक्ड, विच सेलुलर गेट्स ओपन? जब पीक पर चला जाएगा, नेहल बिल्कुल सही है। इमीडिएट आफ्टर द एक्शन पोटेंशियल हैज पीक, -60 मिली वोल्ट पर आपके पास एक्शन पोटेंशियल जा चुका है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल -60 वोल्ट हो चुके हैं, उसके तुरंत बाद में क्या होगा? कौन से सेक्शन पर ज्यादा फोकस करें सर? एनिमल फिजियोलॉजी में टाइम कम है। अब देखो, आपको एक सेट की थोड़ा सा बताता हूं। आज से पहले सेट जो हुआ करता था, उस सेट में एनाटॉमी को ज्यादा फोकस किया जाता था, लेकिन इस बार पूरी तरीके से जो पार्ट है वो एनाटॉमी से बहुत ही कम पूछा जाएगा। कौन सी सेल कहाँ है, कौन सी सेल का फंक्शन क्या है, ऐसी चीजें आपसे बहुत कम पूछी जाएगी। बजाय इसके जो मैकेनिज्म है, जैसे मैंने कल मसल फिजियोलॉजी पढ़ाया, आज आपके पास नर्व फिजियोलॉजी है ना? ऐसे ही मैं कल आपको कुछ गैस्ट्रिक फिजियोलॉजी भी पढ़ाऊंगा, है ना, जहां कुछ आपको सिग्नलिंग देखने को मिलेगी, है ना, फिजियोलॉजी देखने को मिलेगी, वो वहां इंपॉर्टेंट है, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट रखा जाएगी। बनिस्पत इसके कि आप एनाटॉमी को ज्यादा फोकस करो, आप फंक्शनिंग को ज्यादा फोकस करो। आपको ज्यादा फोकस किस पर करना है? फिजियोलॉजी पर। फिजियोलॉजी मतलब मैकेनिज्म पर। अरे डी 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल। एंजल कैल्शियम नहीं होगा बेटा जी, पोटेशियम होगा। जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो तो गेट बंद होगा, जबकि पोटेशियम जो आयन है वो आपको खुलते हुए दिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एसिटाइलकोलाइन रिलीजेस द इलेक्ट्रिक सिनेप्स, इलेक्ट्रिक सिनेप्स आर फास्टर, और इट इज मोर डिफिकल्ट टू रेगुलेट एन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स विद रेस्पेक्ट टू ए केमिकल सिनेप्स, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू? तो आप लोग ज्यादा मैकेनिज्म को प्रेफर करेंगे बजाय इसके कि उनके फंक्शनिंग आप करवा देना। हाँ निशा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आईएफएस की, मेरी आई मीन इंटायर आईएफएस टीम की, हमारी पूरी कोशिश है कि आपको सब कुछ देने की कोशिश करें जो आ सकता है, है ना। मोर और लेस ज्यादातर चीजें हम यहाँ से आपको देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी मेहनत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितनी मेहनत करोगे आपके लिए फायदा होगा। हम आपको एक आइडिया दे सकते हैं किधर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आपको मेहनत आपको करनी पड़ेगी, है ना। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तीन स्टेटमेंट है आपके पास, और उन तीनों स्टेटमेंट में आपको गलत और सही के बारे में बात करनी है। ए ए सी सी सी, ए ए सी सी, है ना, ए ए बिल्कुल, ए प्रधान्य शुभांगी ए कह रही है कि पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। सर स्नेक सब्जेक्ट में नहीं पीएचडी करनी है, वैष्णवी करके कह रहा था स्नेक सब्जेक्ट में ही पीएचडी करनी। अरे वाह वैष्णवी, बिल्कुल वैष्णवी, थोड़े दिनों में जो आईएफएस पीएचडी चैनल है उस पर मैं आऊंगा, वहां से हम बात करेंगे इसके बारे में, है ना। एक पर पीएचडी करनी है आपको तो मैं आपको मेरे पर्सनल नंबर दूंगा, और वहां से आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। स्नेक पर पीएचडी या किसी भी सब्जेक्ट पीएचडी करनी हो तो यू कैन डेफिनेटली कॉल मी, मैसेज करके कॉल, अपना टाइम नहीं ले। चलो एसिटाइलकोलाइन रिलीज द इलेक्ट्रिक सिनेप्स, हम बात किसकी कर रहे हैं, केमिकल सिनेप्स की। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में तो चार्ज ही अपना काम कर देगा, वहां किसी केमिकल की जरूरत ही नहीं है। नाम किसका लिखा हुआ है, एसिटाइलकोलाइन क्या है, एक केमिकल ही तो है, तो आप इसको इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस के साथ कैसे जोड़ सकते हो? अरे कॉमन सेंस लगाओ बच्चा जी,
है ना, कॉमन सेंस। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, लेक्सिटिलकोलिन इज रिलीज एट द इलेक्ट्रिक सिनेप्स। इलेक्ट्रिक सिनेप्स की क्यों जरूरत, वहां तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, वो इलेक्ट्रिकली काम करेगा, वहां किसकी जरूरत नहीं है। केमिकल की जहां जरूरत पड़ेगी वही केमिकल सिनेप्सिस होगा, और एसिटिलकोलिन क्या है, केमिकली तो है। दूसरा ऑप्शन इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस आर फास्ट, हमने देखा भी और क्या देखते भी, इलेक्ट्रिक सिनेप्स बहुत फास्ट होते हैं। उनका छोड़ो, अभी हमने बात करी कि लिगेनिकेटेड सोडियम चैनल होते हैं, वो तो आपस में इकट्ठा होते हैं, एक एक जुड़ते हैं, एक सोडियम आया दूसरा सोडियम आया करके जोड़ जोड़ के कितने हो जाते हैं, 30 हो जाते हैं, तब जाकर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बनता है। लेकिन वहीं आप देख लीजिए वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वो तुरंत क्या होते हैं, ऑल ऑन ऑन, जैसे ही -30 मिली वोल्ट का पोटेंशियल हुआ एक साथ सारे के सारे खुल जाते हैं। तो फास्टर हुए कि नहीं हुए, सिंपल सी बात, फास्टर ही हुए। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस हमेशा फास्टर होता है। तीसरी बात, इट इज मोर डिफिकल्ट टू रेगुलेट एन इलेक्ट्रिक सिनेप्स विद रेस्पेक्ट टू द केमिकल सिनेप्स। अभी कह रहा हूं कि एक मैंने एक 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 बहुत, मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नहीं था, नॉन साइंस का एग्जांपल लेता हूं कि एक भैंस बंधी हुई है अपने घर में और वो भैंस बहुत भड़की हुई है, आपने बहुत अच्छे रस्सी से उसको पकड़ रखा है बहुत अच्छे से, है ना, लेकिन जैसे ही छोड़ोगे वो भाग जाएगी। जब तक पकड़ रखा है तब तक ठीक है, तब तक आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब जब तक मिनिमम थ्रेशोल्ड आप तक नहीं जा रहा है, इलेक्ट्रिक सिलेप्सिस आराम से, वोल्टेज ग्रेडेड सोडियम चैनल आराम से बैठे हैं, लेकिन जैसे ही आपने -30 मिलीवोल्ट का थ्रेशोल्ड किया वो सारे के सारे भाग जाएंगे। जबकि जो केमिकल सिनेप्स है, जहां में सोडियम आए ना, दो इधर से आ गए दो इधर से आए, उनको रेगुलेट किया जा सकता है। आपको पता हो तो क्या होता है, जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, वो नेगेटिव आयन कैटायंस रिलीज करते हैं, क्लोरीन जो चैनल है ना वो खोल देते हैं, वो क्लोरीन चैनल खोल देते हैं। अब क्लोरीन चैनल कैसा होता है, नेगेटिव आयन होता है। हमें क्या करवाना है, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन है -60 वोल्ट को उसको किस पर लाना है, -30 पर लाना है। अगर मान लीजिए नेगेटिव नेगेटिव जा रहे हो तो क्या -30 मिली वोल्ट अचीव हो जाएगा, बहुत मुश्किल से अचीव होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो केमिकल सिनेप्स है उसको मैं क्या कर सकता हूं, कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन इलेक्ट्रिकल को नहीं कर सकता, वहां ऑल और नन है, ऑल एयर नन, या तो एक भी नहीं खुलेगा या सारे के सारे खुल जाएंगे। लेकिन केमिकल सिनेप्स है उनको जरूर मैं कंट्रोल कर सकता हूं, बीच बीच में कोई नेगेटिव आयन वाला क्लोराइड चैनल खोल दी मैंने, तो क्या हो जाएगा, जिस टाइम पर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जनरेट होना था उससे ही कम टाइम पर और ज्यादा टाइम लग जाएगा, टाइम को बढ़ा दिया जाएगा। हाँ, गई भैंस पानी में, है ना, वो वाला सीन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड एंड थर्ड है वो क्या हो जाएंगे, यहां से सही हो जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन और बताओ, रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट ऑन, हाँ लोल लोल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रिसेप्टर साइट जो होती है न्यूरोट्रांसमीटर की वो कहाँ होती है, रिसेप्टर्स कहाँ होंगे, जो रिसिपिएंट सेल होंगे वहां होंगी, या तो पैराकाइन सिग्नलिंग में काम आ सकती है। पैराकाइन सिग्नलिंग के लिए दो सेल्स की जरूरत पड़ती है, एक सेल तो क्या करेगी सिनेप्स स्टिमुलस को जनरेट करेगी, दूसरी सेल क्या करेगी उस पर्टिकुलर जनरेटेड न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेगी, और रिसीव करेगी तो देखोगे तो जल्दी पकड़ो, ठंडी है पूजा, ठंड का क्या ले देना भैंस से, बताओ बेटा जी। तो कौन होगा, बिल्कुल सही होगा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का ना, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गई, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, तो उसके साथ साथ एसोसिएटेड ये वेसिकल्स हो गए। केल्चेमाइन की वजह से वी स्नेयर प्रोटीन क्या करती है, यहाँ पास आती है, पास आकर क्या हो जाएगा, इनका एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर बाहर जाएंगे, उस न्यूरोट्रांसमीटर्स को एसिटिल कोलिन एस्टरेज पिक करेगा, एसिटिल कोलिन एस्टरेज पिक करेगा, तो उस पिक करने के बाद आप देखोगे तो पोस्ट सिनेप्सिस पर आगे वाले मेम्ब्रेन पर इनके क्या होंगे, क्या होंगे रिसेप्टर्स होंगे, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ क्या करेंगे, एसिटिल कोलिन एस्टरेज एसिटिल कोलिन को तो यहाँ रिलीव करेगा, और खुद एस्टरेज है वापस नए न्यूरोट्रांसमीटर पकड़ के ले आएगा। तो ये रिसेप्टर कहाँ हुए, ये कहाँ हुए, पोस्ट सिनेप्टिक पर हुए, इसको मैं प्री सिनेप्टिक कह दूं, इसको तो मैं प्री सिनेप्टिक कह दूं, इसको मैं पोस्ट सिनेप्टिक कह दूं, है ना, और ये रीजन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब तो ये बात उस टाइम की है
उस टाइम के जब दोनों न्यूरोन ही अवेलेबल हो, ठीक है, बाकी की पोस्ट सिनेप्टिक आप इसको कह सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और बताओ, व्हेन ए न्यूरोजन इन रेस्टिंग स्टेट इज नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स द एक्सोनल मेम्ब्रेन, उस टाइम क्या होगा बताओ। नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा पढ़िएगा निशा, इतना भी टप नहीं है। When a neuron is resting stage, neuron अपने resting potential में है, not conducting any impulse, कोई भी impulse वो conduct नहीं कर रहा है, तो उस axonal membrane में आप देखोगे permeability वहां से पूछी गई है, permeability पूछी गई है कि दोनों sodium और ion के लिए equally permeable होगी या sodium और potassium के लिए impermeable होगी या comparatively more permeable to potassium ion and nearly impermeable to sodium ion। नहीं, resting stage को maintain करने के लिए हमेशा potassium ion अंदर आते रहना जरूरी है, potassium ion को बाहर जाते रहना जरूरी है। इसका मतलब movement वहां किसका हो रहा है, potassium ions का। एक्शन पोटेशियम को जनरेट करते समय आप कहोगे कि सोडियम आयन बाहर जा रहे हैं, पोटेशियम आयन अंदर जा रहे हैं, लेकिन जब भी रेस्ट पोटेशियम रहेगा मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी तो आपको जरूरत पड़ेगी पोटेशियम आयन के इम्परमेबिलिटी की। तो उस केस में ऑप्शन नंबर एंजल जो कह रही है वो सही होगा। अब देखो एक टॉपिक से कितने स्क्वायर क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया है ना, हालांकि कई बातें मैं रिलेट नहीं कर पाया, सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से ज्यादा चीजें हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं, कई चीजों को रिलेट नहीं कर पाते हैं क्लासरूम के बजाय। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ये सब कुछ था आज के सेशन में, इसे फिर से बता दूं जो लोग अभी भी थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो जो रिकॉर्डेड सेशन लेना चाहूँ वो अभी भी 50% ऑफ पर आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं, कुछ ही सीट्स हमारे पास अवेलेबल है, या बहुत नॉमिनल फीस में आप रिकॉर्डेड लेक्चर जो है सेट के लिए उनको अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का न्यूरोफिजियोलॉजी का सेशन, कल फिर ठीक बजे ऐसा ही एक